हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग को नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर योर फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर। 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 हैप्पी न्यू ईयर दिव्यांशु। हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे रही 31st? कैसा रहा तेरा? अच्छा रहा। फिर 31st अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अति उत्तम। अच्छा, लेकिन ठंड हो गई आज तो? ठंड हो गई, इतना कोट पहना है। जाड़ा हो गया है। कोहरा लगा है बहुत। तो अंग्रेजी साल का नया दिन है और ये सुबह सुबह कोहरा लगा है। अर्जु, हैप्पी न्यू ईयर। तू कहाँ से आ रही है दूर लेके? अच्छा, तो आज देखो बहुत ज्यादा कोहरा है। हालांकि अभी नीचे है कोहरा और लगता है कि धूप आ जाएगी। देखो क्या होता है। वैसे जो हिंदू नौ वर्ष है वो तो चैत के महीने से शुरू होता है, लेकिन अब आजकल लोगों ने अंग्रेजी महीने को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वह दबते जा रही है। अगर आप इसे मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको हिंदू नववर्ष जो चैत के महीने से शुरू होता है उसे भी ज़रूर मनाना चाहिए। इससे बहुत बढ़िया तरीके से हमें इससे ज़्यादा महत्व अपने नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है चैत्र माह से शुरू होता है, उसे देना चाहिए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, सब लोग अंदर घर में दुबके हुए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। लेकिन आप अगर उस समय जब चैत के महीने में हरियाली रहती है और एक अच्छा मौसम रहता है, पेड़ों में नई पत्तियां उगती हैं, तो उस समय एकदम मौसम में बाहर रहती है। तो इसका मतलब जो हिंदू नव वर्ष है वह चैत्र के माह से ही शुरू होता है, उसे हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो साल का पहला दिन, तो उसमें आज मैं अब जा रहा हूँ मंदिर में और अब मैं थोड़ी देर पूजा करूँगा, फिर उसके बाद चलेंगे नीचे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ठीक है भाई। तो मैंने कर लिए पूजा और जब पूजा करने गया लग रहा था कि कोहरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने भी। क्या कर रहे हो बच्चा? क्या कर रहे हैं? काम। स्कूल का? हाँ। तूने कर लिया? ना, मैंने कर लिया था, तुमने नहीं करा। तो कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, खाना खा लिया? खा लिया। फिर खा लिया? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा। दाल बना रहे हो? दाल सोंग रही हूँ। अच्छा, अरे तन्नू आ गई तू? हैप्पी न्यू ईयर। और आज तो नया साल है। देख, हम तो ओढ़े हुए हैं अभी बिस्तर में और धूप भी आ गई है अभी ना। धूप भी आ गई है, कार्तिक भी ओढ़ा है, दिव्यांशु भी ओढ़ा है। आजा तू भी आजा तब तक। अभी जब धूप अच्छी तरह आ जाएगी ना, फिर जाएंगे हम बाहर। हाँ, अभी अभी ठंडा हो रहा है ना। क्या आप तो धूप आ गई, आप क्यों जलाएंगे आग? हाँ, कल जलाएंगे। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर अर्जु। कैसा रहा है न्यू ईयर? अच्छा रहा? अच्छा, तो अब आज तो धूप भी आ गई, सुबह तो कोहरा था, तो सुबह सुबह दूध लेके आ गई थी ना वहाँ से, ले गई, ले आई साइकिल में लाई। तो अब क्या है फिर? आप आज क्या करोगे? आप केक काटोगे? अरे नए साल का केक। अरे शाम की सब्जी काटने लगी? कैसे काटूं इतनी जल्दी? गेहूं भरवा दे रही हैं।
गडरी की। और वो धनिया निकाला जा रहा है, हरा धनिया खेत का। और मूली जब से खाद डाला सही हो गया ना। है आलू भी बड़े बड़े हो गए। हाँ अब सही हो गया। और लहसुन भी हो गया था, अब सही हो गया। और लाई भी काफी बड़ी हो रही है ना। तो ये आ गई है 1 तारीख को न्यू ईयर पर पेस्टी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। तो अब मैं जा रहा हूँ दुकान में दूध लेने के लिए। और पहले दूध लेके आता हूँ। और ये देखो ड्यूटी से आके कपड़े धो दिए। और धो दिए सब? आज जल्दी क्यों भाई? अच्छा मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। तो बयान से क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे हैं। तो आ गया हूँ मैं दूध लेके। दूध ले आया है। तेल? तेल नहीं ला। तेल आज शनिवार है, इसकी वजह से याद आ गई थी तो मैं नहीं लाया। मैंने कहा कल ले आऊंगा। तेल तो अभी है ही, रिफाइंड लाना था ना, तो इसी वजह से नहीं लाया। वे अब थोड़ी देर छत में टहल लेता हूँ। तो डालने लगे कपड़े? अच्छा लेकिन इस बार अच्छा हुआ है कि रोज सुबह के समय कोहरा रह रहा है लेकिन उसके बाद धूप निकल आ रही है। नहीं तो पिछली बार तक तो 5-6 दिन तक धूप ही नहीं निकल रही थी और पूरे दिन भर ठंड में रहना पड़ता था। लेकिन इस बार अभी तक तो आज 1 तारीख हो गई, अच्छी खासी धूप खिली रहती है और 10-11 बजे तक जरूर कोहरा रहता है, उसके बाद धूप आ जाती है। तो अब देखते हैं कब तक ऐसा रहता है। तो अब संध्या का समय हो गया है और मैं दिया जला देता हूँ फिर जाता हूँ नीचे। तो कर ली है पूजा, अब आ रहा हूँ। आज सही टाइम है। क्या कर रहे हो बच्चों? क्या है? चॉकलेट, 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 चॉकलेट। तूने खा लिया? खा लिया। तो अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।